हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे। अगर हम अप्लाई स्टार्टिंग डेट की बात करें तो हमारा अप्लाई स्टार्टिंग डेट 8 अक्टूबर 2023 रखा गया है। अगर हम लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 7 नवंबर 2023 रखा गया है, यानी 8 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक अप्लाई आप कर पाएंगे। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम डेट अभी अपडेट सुन पे रखा गया है, बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी। अगर हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस, सबसे पहले हम जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो 500 रुपये की फ़ीस रखी जाएगी। अगर हम SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी जा सकती है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन की, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी GIMS की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 255 पदों के लिए भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन नोएडा रखा गया है, यानी नोएडा के लिए जॉब निकाली गई है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम स्टाफ नर्स के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम अप्लाई मोड की बात करें तो हमारा अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड रखा गया है, यानी आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो 102 वैकेंसी रखी गई है। OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स के लिए 69 वैकेंसी। EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो EWS के लिए 25 वैकेंसी। SC कैंडिडेट्स की बात करें तो SC के लिए 54 वैकेंसी। ST की बात करें तो ST के लिए 5 वैकेंसी रखी गई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 255 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा स्टाफ नर्स के लिए बात करें तो अगर आपने इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें GIMS न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, तो अभी ऑफिशियल नोटिस पे जारी नहीं की गई है। जैसे ही जारी की जाती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा किया जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम GIMS न्यू रिक्रूटमेंट 2023 इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप इस वाले लिंक पे विजिट करके यहां से अप्लाई कर पाएंगे, जब इसकी लिंक एक्टिव कर दी जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहाँ से ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर आप भी GIMS के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहां जाकर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम और एक वैकेंसी की बात कर लेंगे जो कि UPSSC की तरफ से निकल कर आई है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी UPSSC की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें
तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 709 पदों के लिए भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश रखा गया है। पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम अप्लाई मोड की बात करें तो हमारा अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड रखा गया है, यानी आप इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो हमारा क्लोजिंग डेट 10/10/2023 रखा गया है। अगर हम UPSSSC न्यू रिक्रूटमेंट 2023 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 133 और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 8 वैकेंसी रखी गई है। SC कैंडिडेट्स की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 189 और वाइल्ड लाइफ के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। ST कैंडिडेट्स की बात करें तो ST के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए 5 वैकेंसी और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 97 और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 4 वैकेंसी रखी गई है। EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 69 और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 693 वैकेंसी और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 16 वैकेंसी रखी गई है। अगर हम UPSSC न्यू रिक्रूटमेंट 2023 इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फॉर्म अप्लाई स्टार्ट डेट की बात करें तो हमारा फॉर्म अप्लाई स्टार्ट डेट 20/9/2023 से स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 10/10/2023 रखा गया है। अगर हम लास्ट डेट टू रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 10/10/2023 रखा गया है। अगर हम कोरिलेशन लास्ट डेट की बात करें तो कोरिलेशन लास्ट डेट हमारा 17/10/2023 रखा गया है, यानी कोरिलेशन आप 17/10/2023 को कोरिलेशन कर पाएंगे। अगर हम UPSSC न्यू रिक्रूटमेंट 2023 क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम रिक्वायर्ड एज लिमिट की बात करें तो हमारा रिक्वायर्ड एज लिमिट 1 जुलाई 2023 से काउंट किया जाएगा। अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल तक रखा गया है, यानी 21 साल से लेकर 40 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले हमें रिटर्न एग्जाम देना है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PMT एंड PET देना है, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम UPSSSC न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सबसे पहले जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो ₹25 की फीस रखी गई है। SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो ₹25 की फीस रखी गई है। अगर आप भी इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहां जाकर आप भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।